एक एक होता है एल आई ओ एन, ठीक है, एक होता है एल ओ आई एन, ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसको बोलते हैं लाइन, ठीक है, और इसको बोलते हैं लॉइन, ठीक है। और ये जो लॉइन है इसका मतलब होता है कमर, जो कि वेस्ट, ठीक है, कमर। तो और ये जो लाइन है उसका मतलब होता है सिर। तो दोनों में जो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपने जो वो कन्फ्यूज नहीं होना है। एक और जैसे किचन में आप लोग यूज करते हैं, जैसे एड यूज करते हो, ठीक है, एक पुट यूज करते हो, ठीक है, किचन में यूज करते हैं, इसका मतलब है डालना, ठीक है, एड मतलब डालना या पुट मतलब डालना। जैसे कढ़ाई में जो वो सब्जी डालनी है, तो सब्जी देखिए पुट वहां पे यूज करना है जहां पे जो वो क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहां पे जो वो क्वांटिटी ज्यादा हो, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी हो, और ऐड जो वो वहाँ पे यूज करिए जहाँ पे क्वांटिटी जो वो कम है। जैसे कढ़ाई का एग्जांपल हो, कढ़ाई में जो वो सब्जी डाली, सब्जी तो बहुत ज्यादा है, सब्जी बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे पुट का यूज करेंगे, ठीक है, पुट द सब्जी, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे पुट का यूज। लेकिन ऐड का यूज वहाँ पे तभी करेंगे जब मान लो कढ़ाई सब्जी डाल दी है, उसके बाद जो वो नमक डालना है तो वहाँ पे ऐड का यूज करेंगे, चीनी डालनी है, चीनी तो सब्जी में नहीं डालते हैं, लेकिन चीनी डालनी है तो वहां पे यूज करेंगे, ठीक है, पत्ती डालनी है चाय में तो पत्ती का तो कम डालते हैं चीनी, ठीक है, वो कम डालते हैं तो वहां पे ऐड का यूज। जब कोई ज्यादा चीज डालनी है, क्वांटिटी ज्यादा हो, तो वहां पे आप पुट का यूज करिए। देखिए जैसे जैसे छत होती है, छत में भी आपको तीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक बोलते हैं रूफ, ठीक है, RWF, और एक होता है सीलिंग, ठीक है, एक होता है सीलिंग और एक होता है टेरिस, ठीक है, एक होता है टेरिस, तीनों का मतलब छत ही है, तीनों का मतलब छत ही है। लेकिन जो रूफ है, ये जो वो ऊपर वाला, जैसे आपका ये जो वो घर है, ठीक है, घर का जो वो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो वहाँ पर जैसे पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, बीच में बैठे हो, सोए हो, तो ऊपर वाली साइड, तो इसको बोलेंगे रूफ, ठीक है, इसको बोलेंगे रूफ। सीलिंग क्या होता है, सीलिंग आपने सीलिंग फैन सुने होंगे, ठीक है, तो जहां पे आप सोए हैं उसके ऊपर, छत के निचली वाली साइड, ठीक है, कमरे के ऊपर वाली साइड नीचे, ठीक है, जहां पे सीलिंग फैन लगे होते हैं, तो जहां पे पंखा लगा होता है, लाइटें लगी होती है, तो वहां पे जो वो सीलिंग बोला जाएगा। और टेरिस जो वो टेरिस कहाँ पे होता है, जैसे आपका जो वो यहाँ पे घर है, ठीक है, ये जो वो थोड़ा सा आगे तक चला जाता है, ठीक है, तो जिसको आप लोग छज्जा बोलते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो, तो इसको जो वो टेरिस बोला जाएगा, छज्जा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो ऐसे आपने जो इसको यूज़ करना